नमस्कार। आठ नंबर माने स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जल तत्व की आठ नंबर की राशि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2022 का मंथ कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन के अंदर। तो अप्रैल मास के अंदर, अप्रैल महीने के अंदर आठ ग्रहों का राशि परिवर्तन है। आठ नंबर की राशि है आपकी और आठ ग्रह शनि के अलावा सब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। तो हालांकि चंद्र तो हर सवा दो दिन में चेंज हो जाते हैं एक राशि के अंदर, और बाकी के रहे सात ग्रह तो सब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं शनि को छोड़कर। शनि खाली मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, बाकी सब ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो क्या होगा इस ट्रांजिट की इफेक्ट, सब ग्रह का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ट्रांजिट सब ग्रहों की फास्ट हो रही है, दुनिया अब मोशन में जाने वाली है, सबका कामकाज फास्ट होने वाला है। जो कोरोना इम्पैक्ट के कारण सबके काम बिजनेस जो इफेक्ट में हुए थे, ये सब अब फास्ट होंगे काम, तो दुनिया मोशन में आने वाली है, ये बहुत अच्छी बात है। और आपके ऊपर वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर ग्रहों का क्या इफेक्ट होगा, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके मंगल के राशि के अधिपति मंगल ग्रह की ट्रांजिट से। तो मंगल का जो भ्रमण है वो शनि के साथ होगा पराक्रम स्थान के अंदर। 7 अप्रैल तक मंगल आपके पराक्रम स्थान में चलने वाले हैं, जो साहस भुवन में है आपकी भुजाओं के ऊपर हैं, आपके पराक्रम में साहस में वृद्धि करने वाले हैं। 7 अप्रैल से जो मंगल चलेंगे कुंभ राशि के अंदर चौथे स्थान के अंदर चलेंगे, तो मंगल शनि के घर में चलेंगे चौथे स्थान के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा मंगल डिस्टर्बिंग रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन राशि के अधिपति होने के कारण स्थान में अभिवृद्धि जरूर करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का कोई आपका कुछ काम रुका हुआ है, लेना बेचना कुछ भी करना है, या मकान वाहन लेना बेचना कुछ भी करना है, तो ये काम आपका संभव होगा मंगल के चौथे स्थान में आने के कारण। तो गुरु चौथे स्थान में जो चल रहे हैं ये 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि थोड़े दिन साथ में रहेंगे मंगल और गुरु। मंगल 7 तारीख को गुरु के साथ चल पड़ेंगे। ये जो ट्रांजिट है 7 से लेकर 13, तो अप्रोक्सीमेटली 6 दिन का जो पीरियड है, गुरु मंगल साथ में रहेंगे चौथे स्थान में। आपका महालक्ष्मी योग बनता है जिसके कारण प्रॉपर्टी से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, माता से पिता से, और कुछ इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, वारसागत मिलकत भी मिल सकती है, इन लॉज की ओर से भी आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो गुरु बदल जाएंगे 13 अप्रैल को दोपहर में 3:57 को। जो गुरु आपके चौथे स्थान में हैं ये अब चलेंगे मीन राशि के अंदर 5वें स्थान के अंदर। 5वें स्थान में गुरु का फल क्या होगा, 5वें स्थान में जो गुरु है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करेंगे, लेकिन जो पढ़ाई करने वाले जातक हैं इनको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकता है, और ख़ास करके जो पढ़ाई के साथ साथ जो कोई भी जातक शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि का कार्य कर रहे हैं इनके लिए भी थोड़ा भारी बन जाएंगे। और गुरु का जो इम्पैक्ट है, दृष्टि है, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, तो ये गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे। गुरु आपके लाभ स्थान में दृष्टि करेंगे जिसके कारण आपको मित्रों से लाभ रहेगा। ये गुरु आपके जन्म के चंद्र के साथ 9 पंचम योग करेंगे जिसके कारण आपकी मानसिक संतुलन प्रसन्नता में वृद्धि करने वाले बनेंगे। तो केतु जो आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करते हैं। राहु 12 तारीख को दोपहर में 2:22 को वृषभ राशि छोड़कर आपके मेष राशि के अंदर 6th हाउस में चलेंगे, जबकि केतु आपकी राशि से छोड़कर 12वें स्थान में चलेंगे, मोक्ष के स्थान में चलेंगे। तो जो कोई भी जातक एजेड है, उम्र लायक है,
इनके लिए आने वाले 18 महीने की जो ट्रांजिट है केतु की, मोक्ष कारक भी सिद्ध हो सकती है। और राहु सिक्स्थ हाउस में से, सेवन्थ हाउस में से निकल कर चलेंगे सिक्स्थ हाउस के अंदर, तो आपको रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे। केतु जो है वो 12वें स्थान में जाएंगे, जिसके कारण आपके खर्च एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे। विदेश यात्रा प्रवास के अंदर आपके बड़े खर्चे हो सकते हैं, बड़ी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है या बड़ा विदेश प्रवास भी आपका हो सकता है। सूर्य ग्रह मेन एनर्जी सूर्य ग्रह के जो है वो सूर्य मीन राशि के अंदर है। 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। सुबह 8:43 यानी कि 8:43 को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और चलेंगे मेष राशि के अंदर। 14 अप्रैल को सूर्य चलेंगे चौथे स्थान के अंदर, तो राहु ऑलरेडी यहां पर आ चुके होंगे उस टाइम पर 12 तारीख को। तो राहु सूर्य का जो ग्रहण योग है वो आपके सिक्स हाउस में बनेगा। यहां पर ये जो ग्रहण योग बनने वाला है ये बहुत शुभ फल देने वाला है, क्योंकि सिक्स हाउस के अंदर जितने भी उग्र ग्रहों का जमावड़ा है ये हमेशा शुभ फल देता है, शत्रु विजय करवाता है। तो बदलने से पहले फल क्या होगा, सूर्य का पांचवा स्थान जो है वो प्रणय संबंधों का स्थान है, आपके संतानों का स्थान है, विद्याभ्यास का स्थान है, गैम्बलिंग का स्थान है, शेयर सेक्टर लॉटरी का स्थान है, तो यहाँ पर सूर्य का फल शुभ नहीं होगा। तो सूर्य खास करके ये सब जातकों के, पढ़ाई करने वाले जातकों को पढ़ाई में ध्यान देना होगा और संतानों के साथ भी रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका भी आपको केयर करना होगा। और जो कोई भी जातक शेयर सेक्टर लॉटरी गैम्बलिंग करते हैं ये जातकों के लिए भी ये ट्रांजिट ठीक नहीं होगी सूर्य की 14 अप्रैल तक। बिजनेस एंड करियर के कारक ग्रह बुध ग्रह का ट्रांजिट फास्ट है। इस मंथ के अंदर बुध मीन मेष और वृषभ में चलने वाले हैं। बुध 8 तारीख तक मीन राशि के अंदर है, पंचम स्थान के अंदर। बुध का फल मध्यम फलदायी होगा। मेष में जाने वाले बुध आपको थोड़ा सा एक्टिव करेंगे, एब्रॉड रिलेशन एब्रॉड कनेक्शन से आपको लाभ करवा सकते हैं। और 24 तारीख से जो बुध हैं ये चलेंगे वृषभ राशि के अंदर, तो सेवन्थ हाउस के अंदर आपका जो बुध का ट्रांजिट होगा ये आपको पब्लिक लाइफ में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले होंगे। डेट्स आपको जो टेक केयर करना है इस मंथ के अंदर वो इस प्रकार रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो यदि किसी भी जातक का जन्म 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में हुआ है, जिनके जन्म के सूर्य भी वृश्चिक राशि के अंदर हैं, ये जातकों को भी ये प्रेडिक्शन असर करने वाला है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों वृश्चिक राशि के अंदर हैं तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो जो डेट आपको टेक केयर करना है 7, 8, 9, जिसमें चंद्र चलेंगे मिथुन राशि में। मिथुन के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 16, 17, 18, जिसमें चंद्र चलेंगे तुला राशि में, 12वें स्थान के अंदर होंगे और केतु के साथ होंगे, तो उसमें भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना है 25, 26 और 27, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे गुरु ऑलरेडी राशि छोड़ चुके होंगे 13 तारीख को, तो 25, 26, 27 कुंभ राशि में चंद्र चलेंगे। तो कुंभ के चंद्र पांचवें स्थान चौथे स्थान के चंद्र बनते हैं। यहाँ पर भी टेंशन वाली सिचुएशन के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कुल मिला के क्या कहेंगे, इस मंथ का सारांश क्या रहेगा, सारांश इस प्रकार रहेगा कि जो गुरु है वो आपके पंचम स्थान में चलने वाले हैं। ये गुरु का अपना घर है, मीन राशि के अंदर चलेंगे गुरु अपने घर में चलेंगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और लाभस्थान में गुरु की दृष्टि होगी, भाग्य में उच्च घर में दृष्टि होगी और मंगल अपने वृश्चिक राशि मित्र घर मित्र है, मंगल जो है वो गुरु के मित्र हैं,
तो मंगल के मित्र घर में दृष्टि होगी, आपके जन्म के चंद्र के ऊपर होगी, जिसके कारण आपकी मानसिक समतुला प्रसन्नता में वृद्धि करने वाले बनेंगे। और बहुत अच्छी ट्रांजिट दूसरी जो राहु की है, राहु 6th हाउस में चलेंगे, शत्रु विजय करवाने वाले होंगे। केतु 12वें स्थान में चलेंगे, जो भी आपके लिए बहुत शुभ है, विदेश यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग, धार्मिक यात्रा, प्रवास, शुभ कार्य के अंदर आपको खर्च करवाने वाले होंगे। तो आने वाला समय आपके लिए 14 अप्रैल के बाद का जो समय है, 14 से 27 का जो पीरियड है, ये ज्येष्ठा नक्षत्र में पर्टिकुलरली जिनका जन्म हुआ है इनके लिए एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य चलेंगे अश्विनी नक्षत्र में। तो अश्विनी तारा जो है, अश्विनी नक्षत्र जो है, वो ज्येष्ठा के लिए संपत्ति नक्षत्र है। और ये आपको हर साल याद रखना है, नॉट इन दिस 22 बट एवरी ईयर, जो 14 या 15 को जो सूर्य बदलते हैं, और पहले 13 दिन जो अश्विनी नक्षत्र में चलते हैं, ये 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक का जो पीरियड है ज्येष्ठा में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिट वाला है। और उससे पहले जो है 1 से 13 का जो पीरियड है रेवती नक्षत्र में सूर्य होंगे, तो ये ट्रांजिट खास करके वृश्चिक में जिनका जन्म अनुराधा में हुआ है इनके लिए ये संपत्त नक्षत्र, संपत्त तारा होगा। तो आप दोनों के लिए वृश्चिक में अनुराधा और ज्येष्ठा दोनों के लिए जो सूर्य ट्रांजिट है इस मंथ के अंदर अप्रैल, आपके लिए कुछ जबरदस्त बेनिफिट लेके आने वाला है। इस प्रडिक्शन को आप अपने कोई वृश्चिक राशि वाले मित्र हैं तो उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए प्रडिक्शन में जल्दी। नमस्कार, जय गणेश, जय जय सितारकाधीश।